आप में कितने लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हो, पक्का याद है वो कौन है? पूरी धरती उसके गुण रहस्य को समझ नहीं पाती है। और रोज हनुमान चालीसा, मैं रोज बोलता हूं कि चालीसा ऐसे पढ़ने का ही नहीं है, इसको तुलसीदास जी पागल नहीं है जो इतने सरलता से लिख दें। और आज कोई बड़ा साधु के कोई तत्व ज्ञानी नहीं है कि उसके गुण रहस्य को समझ पाए। मेरे को एक बार जिज्ञासा हुई कि ये हनुमान चालीसा ऐसी चीज दिखती है जिसको पढ़ने के बाद बाधा भय से दूर हो सकते हैं, तो इतने सरलता से तो तुलसीदास जी लिखे नहीं होंगे। तो मैंने पद्मावती माँ को पूछा कि माँ इसका रहस्य क्या है, तब पद्मावती ने जो बताया मुझे, जो चौंकाने वाला रहस्य था, कोई सिर्फ पहला दो लाइन बोलो ना मैं उसका रहस्य बताऊं, तो फिर आप देखो कि 40 लाइन में क्या क्या रहस्य होंगे, आप पागल हो जाओगे। इतना एक हनुमान चालीसा का व्यवस्थित पाठ हो जाए, आपका घर स्वर्ग हो जाए, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन कोई दो लाइन बोलो तो खड़े होके बोलो माता। श्री गुरु चरण सरोज, वही रुक जाओ, क्या बोला उन्होंने? तो पागल नहीं है हनुमान जी, पागल नहीं है तुलसीदास जी, उन्होंने श्री गुरु बोला। क्या बोला? तो श्री गुरु बोलते हुए वो भ्रमरंद्र को ध्यान करने की गुप्त रहस्य को बोल रहे हैं, ये पद्मावती माँ ने मुझे बताया। क्योंकि जब गुरु मुद्रा की जाती है, कौन सी मुद्रा? तो भ्रमरंद्र पर की जाती है, क्योंकि आदि गुरु भगवान शंकर हो या अपने गुरु हो, उनको मस्तक के इस सहस्रार चक्र में ही बैठाया जाता है। यानी अब देखो, लाइन से सुनो, दो लाइन में इतनी बात है तो 40 लाइन में कितनी बातें होगी आप समझोगे। पहले वो बोल रहे हैं श्री गुरु, क्या बोल रहे हैं? चरण बोल दिए। अब वो देखो, गुरु चरण को तो ये सहस्रार चक्र में स्थापित किया जाता है, ये मंत्र साधना का या आराधना परंपरा की विधि है। कहां बैठाना है? जब आप हनुमान चालीसा चालू करो तो श्री गुरु चरण बोलते समय ऐसे करना चाहिए। फिर उसके बाद तुलसीदास जी को, किनको? ऐसे करके करोगे क्या? ऐसे करके करोगे क्या महाराज? ऐसे करने से होगा? बड़े चातुर्य से तुलसीदास जी ने उस गुप्त रहस्य को सबसे छुपा दिया कि ऐसे गुरु चरण बोलो तो पहले अपने गुरु को याद करो। खाली बोलते, आज देखो आज तक लोग श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखर बोलते ही जाते, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि मैं गुरु चरण बोलूं तो उधर रुक के पहले मेरे गुरुओं के चरण को तो ध्यान कर लूं। और एक चरण नहीं है उसमें एक चरण नहीं है। श्री गुरु चरण बोलो, पहले अपने गुरु को याद करो, फिर जो लिखे हैं वो तुलसीदास जी को स्मरण करो, उनके गुरु नर हरिदास जी को स्मरण करो और हनुमान जी को स्मरण करो जो इस पूरे चालीसा के नायक है, फिर उनके गुरु सूर्य को नमस्कार करो, फिर इन सब के गुरु भगवान रामचंद्र को नमस्कार करो, नारायण को नमस्कार करो। इतना करने के बाद आगे हम कहते हैं सरोज रज। क्या कहते हैं? अभी क्या तुलसीदास जी इतने अविवेकी होंगे, इतने बड़े रामचरितमानस लिखने वाले हैं, जो श्री गुरु चरण लिख दिया, रज लिखने की क्या जरूरत है? यहाँ जाने के बाद रज लिखते हैं तो पद्मावती माँ कहती है, बेटा वसंत विजयी रज इसलिए लिखे हैं, तुरंत तुझे मूलाधार चक्र में जाना चाहिए, क्योंकि रज याने मट्टी, मट्टी याने पृथ्वी तत्व याने मूलाधार चक्र, वहां से ये चालीसा शुरू होता है। क्या होता है ये चालीसा? श्री गुरु चरण सरोज रज बोलते हैं तो रज याने मूलाधार चक्र। कौन सा चक्र है? पहले आप कौन से चक्र में गए? सहस्रार में गुरुओं को याद किया, अपने गुरु को याद किया, श्री गुरु बड़बड़ बड़बड़ दो मिनट में सब पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। तू कितनी बार पढ़ा महत्व नहीं है, तूने किस ढंग से उस चालीसा में अपने मन को स्थिर किया, ये महत्वपूर्ण है। तो अब तू श्री गुरु चरण बोलते ही ऐसे कर, और ऐसे करके फिर बोल अपने गुरु को प्रणाम कर, तुलसीदास जी को प्रणाम कर, उनके गुरु नर हरिदास जी को प्रणाम कर, हनुमान जी को प्रणाम कर, उनके गुरु सूर्य को प्रणाम कर, इन सब के ऊपर रामचंद्र जी को प्रणाम कर, और रामचंद्र जी जिस मूल रूप से प्रकट होके आए हैं उस नारायण जी को प्रणाम कर। अब कह के भाई सरोज रज, क्या कहना? अब तू अपने मूलाधार चक्र का ध्यान कर, उस समय रज बोलते ही, यानी तेरे चक्र को जगाने के लिए वो पहला दो लाइन तुलसीदास जी ने दिया है।
किस लिए दिया है? तेरे चक्र नहीं जगेंगे तो कोई देविक शक्ति तेरे तक पहुंच पाएगी? तू ऐसे ही चिल्लाता रहे जिंदगी भर हनुमान चालीसा पढ़ता रहे, क्या कोई चालीसा ऐसे फल दे सकेगी जो जागृत नहीं है उस आदमी में? सोए हुए के मुंह में हलवा डाल के क्या करोगे महाराज? तो तुलसीदास जी पहले जगाते हैं फिर हलवा डालते हैं। सरोज रज के बाद क्या बेटा क्या है? रज बोला, क्या बोला? रज यानी मट्टी, मट्टी यानी पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व कहाँ है शरीर में? तो सीधा मूलाधार से शुरू करते हैं, यहाँ गए और वहां गए, यानी ऊपर से नीचे तक का कनेक्शन पहले लाइन में ही उन्होंने लगा दिया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बर नौ रघुबर विमल जशु जो दायक फल चारी। देखो भाई बस बेटा, सरोज क्या बोला उन्होंने, रज क्या बोला? मैंने बता दिया कि रज यानी मूलाधार तत्व, पृथ्वी तत्व। अब पहले वाले सरोज को पकड़ो, सरोज, सरोज यानी क्या महाराज? कमल, श्री गुरु चरण कमल को निज मन मुकिर सुधारी। कमल क्या जी? कमल कहाँ रहता है महाराज? कमल कहाँ रहता है? तो वो पहले आपके विकारों को समाप्त करने के लिए जल तत्व वाला स्वादिष्टान चक्र को उधर सूचित करते हैं सरोज बोल के, और मूलाधार को वो सूचित करते हैं निज मन। निज मन क्या बोलते हैं? निज मन, मन कहाँ है? वैसे योग शास्त्र कहता है कूटस्थ में मन है। क्या कहता है? कूटस्थ यानी ये त्रिवेणी, गंगा जमुना सरस्वती, त्रिवेणी को जहाँ संगम होता है, कूट इकट्ठा होता है, उसको कूटस्थ कहते हैं। कूटस्थ में मन है, ऐसे योग साधना कहता है। लेकिन हम ज्यादातर तो हृदय में मन को मानते हैं। कहाँ मन मानते हैं? मेरा दिल आजकल ठीक नहीं है, मेरा मन ठीक नहीं है, तो शास्त्र मन को यहाँ मानता है। तो निज मन कहते समय स्वादिष्टान मूलाधार और सहस्रार को पूरा करके सीधा अनाहत पर आते हैं तुलसीदास जी। आपके सातों चक्रों को जगाने का योग रहस्य के प्रथम दो लाइन पकड़ना हो तो हनुमान चालीसा है, बाकी 40 लाइन में कम से कम 1400 रहस्य छुपे हुए हैं। और निज मन मुखर, मन से मुखरना, मुखरना यानी बोलना, मुखर मुकर बोलते हैं। तो उस समय विशुद्धि चक्र को याद करके वर्णों, क्या वर्णों? बातों को बोलूं तब विशुद्धि चक्र को याद करते हैं वर्णों। सुधारी, सुधारना, क्या करना? सुधारी बोलते हैं। कब सुधरेंगे भाई? जब हमारे जन्मों के कर्म सुधरेंगे तो हम सुधरेंगे ना। जन्म कर्म का आधारभूत तत्व ये जो मणिपूरक चक्र है उसको वो याद करते हैं आपके सातों चक्रों में। जो दायक फल चारी जब बोलते हैं तो चारों फलों को देने वाला कूटस्थ, हमारी आज्ञा बुद्धि को, हमारे चित्त अहंकार मन के कूटस्थ को बोल के आज्ञा चक्र को बोलते हुए दो लाइन में सहस्रार मूलाधार स्वादिष्टान मणिपूरक अनाहत विशुद्धि और आज्ञा को जगा के ही आगे चालीसा का शुरुआत करते हैं तुलसीदास जी। तो ऐसे पवित्र चीजों का हम रहस्य समझ नहीं पाने के कारण हम ऐसे ही पाठ करते रहते हैं जिंदगी भर। लेकिन अगर सात चक्रों को जगाते हुए बात करेंगे और पाठ करेंगे और स्मरण करेंगे तो ये चक्र की जागृति के बाद का पाठ आप में उस दैविक तत्व के आकर्षण को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा और कितना ज्यादा आपके जीवन में आनंद मिलेगा।